उपखंड के जवाजा कस्बे में एटीएम लूट का असफल प्रयास सामने आया है। इस दौरान अज्ञात चोरों ने एटीएम तथा सीसीटीवी कैमरों में तोड़फोड़ भी कर दी, लेकिन जाग पहुंचाने के कारण अज्ञात चोर मौके से भाग छूटे। लुटेरों के मौके से भाग जाने के कारण एटीएम में रखी करीब 4 लाख रुपए की रकम बच गई। लूट व तोड़फोड़ की उक्त वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जवाजा थाने के एसआई कन्हैया लाल ने बताया कि जवाजा स्थित पंचायत समिति के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने स्थित एक एटीएम में रात को अज्ञात लुटेरों ने एटीएम में लूट का प्रयास किया। इस दौरान लुटेरों ने एटीएम तथा सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन इस दौरान जाग होने के कारण लुटेरे मौके से भाग छूटे। पुलिस गश्त जब रात को उधर से गुजरी तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने एटीएम मालिक चिलियाबड़ निवासी दिलीप सिंह पुत्र बिरदा सिंह को इसकी जानकारी दी। संदर्भ में एटीएम मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ एक शिकायत दी है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 10 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी मिडनाइट के करीब 2 बजे करीब के जवाजा में जो बस स्टैंड है उसके आसपास को एक एटीएम है हिटाची कंपनी का, उसमें कोई 2 व्यक्ति जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस पर तुरंत विद इन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर अंदर जहाँ भी गाड़ी थी 5-7 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच गए और हमने देखा एटीएम में कुछ तोड़फोड़ कर रखी थी। आस पड़ोस में पूछा तो बताया कि साहब 2 लड़के थे तो उन्होंने एटीएम में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई, एटीएम में किसी प्रकार की रकम नहीं गई। हमने श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री वीरदा सिंह जो रावत चिलियाबड़ का रहने वाला है उसने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है, रिपोर्ट दी है। अज्ञात चोरों के खिलाफ हमने एटीएम तोड़ने का दुष्प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर दिया, अनुसंधान किया जा रहा है।